भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वाधीनता संग्राम से उपजा और भारतीयता से एकरूप होकर बना संगठन है। समानता, समावेश और देश को मजबूत बनाना कांग्रेस का हमेशा मूल संकल्प रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही देश में स्वतंत्रता आंदोलन में जान फूंकने के लिए हुई। मगर आज हम आपको बताते हैं कांग्रेस के वो 5 फैसले जिनकी वजह से देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। विविधताओं से भरे देश को एक साथ लाने वाले ये वो फैसले थे जिन्हें लेने में विकसित देशों ने भी जमाने लगा दिए। पहला फैसला, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर फोकस। जिस दौर में लोग नफरत की आग में झुलस रहे थे, उस वक्त में लोकतांत्रिक देश बनाना एक हिम्मती फैसला था। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में ये रिस्क लिया जवाहरलाल नेहरू ने, जिनके एक फैसले ने गरीब से लेकर अमीर तक अलग धर्म, जाति और रंग के लोगों को एक साथ ला दिया। वो था वोट का अधिकार। राजा साहिब के साथ एक सफाई वाला भी एक लाइन में खड़ा होकर वोट डाल रहा था। ये था कांग्रेस का पहला सबसे बड़ा फैसला। दूसरा फैसला, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना। आज जब देश में चारों तरफ संविधान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून चंद कारोबारियों के लिए बनाए जा रहे हैं, किसी को कभी भी जेल में ठूंस दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस सोच के साथ कभी काम नहीं किया। राज्यों के बीच सत्ता का समुचित बंटवारा करवाना हो या फिर विधायकी, कार्यपालिका, न्यायपालिका को बराबर की पावर देने हो, ये सब ऐतिहासिक फैसले कांग्रेस की पहली सरकार ने ही लिए थे। तीसरा फैसला, उद्योग धंधों, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता। सोचिए, जिस देश में लोग अनजान बीमारी से मर जाया करते थे, संसाधनों के अभाव में अशिक्षा ज्यादा थी, उस देश में जवाहरलाल नेहरू ने एम्स, आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थान स्थापित किए, जहां से पढ़े हुए स्टूडेंट्स आज देश से लेकर विदेश तक भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस के ही दौर में उद्योग धंधों की भी शुरुआत हुई। भाखड़ा नंगल बांध, रिहंद बांध और बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना होना इसका सबूत है। चौथा फैसला, स्वतंत्र पहचान वाली विदेश नीति। भारत कभी भी किसी विकसित देश का पिछलग्गू नहीं बनेगा, अपनी पहचान खुद बनाएगा। नेहरू जी ने ये फैसला लिया। उनकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका पंचशील का सिद्धांत, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखना और दूसरे राष्ट्र के मामलों में दखल न देने जैसे 5 महत्वपूर्ण शांति सिद्धांत शामिल थे। विदेश नीति का नाम था गुट निरपेक्षता, मतलब ये कि भारत किसी भी गुट की नीतियों का समर्थन नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखेगा। पांचवा फैसला, विज्ञान में तरक्की। भारत ने पहली अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल बनाई, वहीं अग्नि वी का 2012 में परीक्षण भी किया। कांग्रेस के ही दौर में भारत में निर्मित पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत लॉन्च किया गया। इसके बाद कारवां बढ़ता चला गया। मार्स ऑर्बिटर मिशन हो, मंगलयान हो, हर जगह विज्ञान में भारत अपना परचम लहराता चला गया।